नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। बांदा जिले के सभी लॉ कॉलेजों के आधा सैकड़ा छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 35 को 2 घंटे के लिए बंद करके जोरदार प्रदर्शन किया। आधा सैकड़ा से करीब छात्र छात्राएं राजमार्ग पर उतर आए और जमकर नारेबाजी करने लगे। छात्राएं राजमार्ग के बीच बैठ गईं और किसी भी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया, जिसके चलते कुछ ही समय के भीतर दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्राओं को छोड़ लगभग एक दर्जन छात्रों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि लिखित परीक्षा की जगह ऑब्जेक्टिव पेपर कराने से सैकड़ों छात्र फेल हो गए, जिसके चलते आक्रोशित छात्र छात्राओं ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रा ममता वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा लिखित परीक्षा न कराकर ऑब्जेक्टिव पेपर कराने से अधिकांश छात्र फेल हो गए हैं। इन सभी छात्रों की मांग है कि या तो दोबारा लिखित पेपर कराया जाए या फिर सभी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में फेल छात्रों को भी पास किया जाए। विश्वविद्यालय को इसमें बदलाव करना चाहिए और दोबारा लिखित परीक्षा करानी चाहिए या सभी छात्रों को पास कराकर अगले सेमेस्टर में दाखिला देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे कई छात्रों का एक साल खराब हो जाएगा और उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करके इस ऑर्डर में बदलाव करे, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन करने के लिए सभी कॉलेजों के छात्र तैयार बैठे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा, लेकिन गुस्साए छात्रों ने उनकी एक ना सुनी, जिसके चलते पुलिस ने लगभग एक दर्जन छात्रों को हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ पूरी जानकारी देते हुए आरके सिंह क्षेत्र अधिकारी नगर में मौके पर पहुंचे, मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शन कर रहे छात्राओं को समझाने का प्रयास किया। छात्रों के न मानने पर पुलिस ने शक्ति बरतते हुए लगभग एक दर्जन छात्रों को गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर लिया है, क्योंकि रोड जाम करके प्रदर्शन करना कानूनी अपराध है, इसीलिए सभी पर अभियोग पंजीकृत करते हुए कार्यवाही की जा रही है। ये अम्बेडकर नाग कॉलेज रामेश्वर प्रसाद डिग्री कॉलेज से भी है। इनका कहना है कि ला के पेपर में बच्चे काफी फेल हो गए और बैक पेपर कराने की इनकी मांग है। इसी बात को लेकर यह इकट्ठा हुए थे। इनको बताया गया है कि अपने उचित फोरम पे अपना ज्ञापन दें ताकि इनकी बात शिक्षा विभाग में पहुंचाई जाए, विश्वविद्यालय में पहुंचाई जाए और इनके बैक पेपर की व्यवस्था की जाए। सर, कुछ बच्चे गिरफ्तार हुए हैं? नहीं, ये बच्चे चक्का जाम किए थे। चक्का जाम करना अपराध की श्रेणी में आता है, उसी में एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी, इसलिए इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेएमडी खबर।